नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एकम नंबर चार, एक प्रश्न चार उत्तर, इसके अंदर दूसरे क्लास में हमने देखा था कि लेखक ने एक ईसाई पादरी से प्रश्न किया था कि हमारे देश में कई बड़े बड़े नेता हो गए, कई प्रकार के आंदोलन हुए, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं करता। तब ईसाई पादरी ने इसका जवाब दिया था कि तुम्हारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। यही प्रश्न उसने एक आईएएस सदस्य से प्रश्न पूछा था, एक सरकारी सभ्य से, ऑफिसर से, कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं करता। तो उसने भी उत्तर दिया था कि इसका मुख्य कारण है कि तुम्हारे देश के लोग अपने काम में जिम्मेदारी नहीं समझते, अपने काम में जिम्मेदारी लेते नहीं, इसके कारण तुम्हारा देश उन्नति करता नहीं। आइए अब लेखक तीसरे विदेशी मित्र से क्या प्रश्न पूछते। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है, या जो तीसरा व्यक्ति है वह एक स्त्री है, 7-8 वर्षों से अपने भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। 7-8 सालों से वह भारत में रहती है और भारत को ही वह अपना देश मानकर भारत के लोगों की वह सेवा कर रही है, मतलब अपने देश की वह सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। जब असहयोग का आंदोलन हुआ तो वह असहयोग आंदोलन में, वह विदेशी होने के बावजूद भी आंदोलन में भाग लिया और आंदोलन में वह दूसरे नेताओं के साथ वह भी जेल जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। कई तरहों से भारतीय लोगों का निकटतम अनुभव उसे हुआ है। उनको भी मैंने घेरा, घेरना मतलब रोकना। यह लेखक कहते हैं कि मैंने भी वही स्त्री को घेरा, मतलब मैंने भी वही स्त्री को वही प्रश्न पूछा। उनका उत्तर था, तुम बड़े आलसी। वह स्त्री ने बताया कि तुम्हारे देश के लोग बड़े आलसी हैं और बड़े आलसी होने के कारण तुम्हारा देश प्रगति कर सकता नहीं, अर्थात हम लोगों में श्रम का महत्व नहीं पहचाना। कि भारत के देश के लोगों के, भारत के देश के लोगों ने श्रम का महत्व नहीं जाना, और जिस लोगों ने श्रम का महत्व जाना नहीं वह प्रगति कर सकता नहीं। क्योंकि कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए हमारा सबसे पहला पहलू है परिश्रम, मेहनत, अथाग परिश्रम। मेहनत करना तो हमने मर भूखो का काम समझ रखा है। मर भूखो, देखिए, मर भूखो ज्यादा भूखा, ज्यादा भूखा, जिसको ज्यादा भूख लगी है वह मर भूखा। कि हमारे देश में ऐसा लगता है कि जिन लोगों को आवश्यकता है वही मेहनत करते हैं, जो लोग गरीब हैं वही मेहनत करते हैं, जो लोग भूखे हैं वही लोग मेहनत करते हैं। हमारे देश के अधिकांश लोग ऐसा समझते, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व नहीं समझा। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना, बड़े लोग होते हैं जो लोग सुखी होते हैं, जो लोग साधन संपन्न होते हैं वे तो ऐसा समझते हैं कि हमें तो भला काम करके क्या लेना देना, वे तो अपना मूलतः जीवन बैठे रहना ही योग्य मानते हैं। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रम से हुए हैं। हम सब ये बात भूल गए हैं कि आज हमारे देश में जो लोग ऊंचे शिखरों सर किए हैं
जो लोग ऊंचे स्थान पर विराजमान हैं वे लोग बिना मेहनत से उसको सफलता मिली नहीं, बैठे रहने तो कुछ मिलता नहीं। शेर को भी शिकार करना है तो मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, बैठे रहने से कोई शिकार उसके पास आ जाता नहीं। तो हमारे देश के जो लोग बड़े हुए महान हुए हैं वह बिना मेहनत से सफलता प्राप्त मिली नहीं। जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? सच्ची बात है, जो हम परिश्रम नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम अथाक परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता यूं मिलने वाली नहीं है। आरंभ सुरा तो हम हैं, आरंभ सुरा मतलब कोई भी काम करने में हम तुरंत शुरुआत कर देते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद हम वह काम छोड़ देते हैं। पर हमें लगन नहीं है, लगन मतलब एक चीज से काम करना, ध्यान से काम करना, मन लगाकर काम करना, हमारे अंदर यह भावना है नहीं। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं, और इसके कारण न तो हम हमारे गृहस्थी में या न हमारे कार्य क्षेत्र में या किसी भी स्थान पर हमें सफलता मिलती नहीं, क्योंकि हम न मेहनत करते हैं और न लगन से काम करते हैं। ये दो पहलू नहीं है तो हमें कोई भी काम में सफलता मिलती नहीं। रोने पीटने झिंकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताते तो हम देश को और अपने काया पलट कर सकते। आज हमारे देश के लोग मूलतः अपना समय फिजूल बर्बाद करते हैं, टीवी के पास पीछे, खेलने के पीछे, मोबाइल के पीछे, सिनेमा देखने के पीछे, क्रिकेट देखने के पीछे हम बैठे बैठे समय बर्बाद करते हैं, और इसी प्रकार समय बर्बाद करने से हम योग्य स्थान पर जा सकते नहीं, हमें सफलता मिलती नहीं। तो हमारे देश के लोग समय को पहचानते नहीं और समय को पहचान कर उसके अनुरूप मेहनत नहीं करते, इसीलिए हमारे देश के लोग प्रगति कर सकते नहीं। हम लोग बड़े आलसी, हमारे देश के लोग बड़े आलसी हैं और आलसी हैं, इसलिए तो हम हमारे देश की काया पलट कर सकते नहीं। तो तीसरा मित्र स्त्री है, और स्त्री ने बताया कि तुम्हारे देश के लोग बड़े आलसी हैं जिसके कारण तुम्हारा देश प्रगति कर सकता नहीं। आइए देखिए अब वही प्रश्न लेखक चौथे विदेशी मित्र से प्रश्न करता है। देखें चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री है, चौथा व्यक्ति है वह एक वृद्धा है, बुढ़िया है, वह एक स्त्री मित्र है, वे संसार में प्रसिद्ध थी, संसार में मतलब दुनिया में जाने माने देशों के लोग यह बुढ़िया को नाम से जानते थे, पहचानते थे। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था, मेरा कुल मेरा परिवार, मेरे परिवार से उसका बड़ा नाता था, एक प्रकार का संबंध बन गया। मेरे पितामही तुल्य थी, देखे पितामही शब्द क्या है, पिता मही, तो इसका अर्थ है पिता की माता, हमारे पिता की जो माता होती है उसको बोलते हैं पिता मही। शब्द समझ एक शब्द भी है कि पिता की माता क्या बोलते हैं, पिता मही। तो वह बुढ़िया स्त्री हमारे पिता मही तुल्य थी, उनको भी मैंने तंग किया, तंग कहना मतलब हैरान करना, उनको भी मैंने यही प्रश्न पूछा। बुढ़िया प्रश्न देने में हिचकिचाती थी, फिर भी मैंने उसको तंग करके प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य कर दिया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश के विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। यह बुढ़िया 40 सालों से भारत में रहती थी, इसलिए लेखक ने कहे कि आप तो 40 सालों से हमारे देश में रहती है, हमारे देश का छप्पा छप्पा जानती है, हमारे देश की सभी परिस्थिति से आप वाकिफ हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष, कि तुम्हें बताना होगा कि हमारा क्या दोष है, हमारा क्या गुनाह है, हमारा ऐसा कौन सा अपराध है कि हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता, जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था,
उसने थोड़े में उत्तर दिया, तुम लोगों में उदारता नहीं है। कि तुम्हारे देश के लोगों के अंदर क्या नहीं है? उदारता। और तुम्हारे देश के लोगों के अंदर उदारता नहीं है, यही तो मूल कारण है, प्रगति में बाधा डालता है। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया, उसने विस्तार से दृष्टांत दे देकर बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। कि हमारे भारत देश की मूल समस्या तो यही है कि हमारे देश के लोग दूसरे लोगों को आगे नहीं बढ़ाते। समाज में भी देखो आज ऐसा ही होता है, एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो दूसरा व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वह हमसे आगे निकल जाए, नहीं वह उसको गिराने की कोशिश करता है। हमसे आगे निकल जाए वह किसी को अच्छा लगता नहीं। तो हमारे देश की मूल समस्या यही है, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं ही आगे रहूं, मेरे आगे कोई निकल जाए नहीं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते। नवयुवक एक शब्द है, नवयुवक ये समास है, नव नया युवक ये कर्मधारय समास है। कि हमारे देश के लोग ऐसे नवयुवकों को मौका ही नहीं देते, आगे बढ़ने का उसको चांस ही नहीं देते, जिसके मतलब नवयुवक कार्य क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है और वह व्यक्ति मर जाता है, तो मर जाने के बाद उसका काम खराब हो जाता है। वास्तव में बुद्धा की बातें ठीक थी, हकीकत में देखा जाए तो यह बुढ़िया जो बातें बता रही थी वह सभी की सभी बातें सच थी, सही थी। अंतर पिता पुत्र को घर का काम नहीं बताता। हमारे परिवार में भी देखो बेटा बड़ा हो जाता है फिर भी पिताजी घर का कारोबार अपने बेटे को सौंपता नहीं। घर किस प्रकार से चलाना चाहिए, घर पर आए हुए मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या रीति रिवाज कैसे मनाना चाहिए, वह सारी बातें पिताजी अपने बेटे को सिखलाता नहीं। वह ऐसा समझता है कि बेटा मेरा स्थान ले लेगा। माता भी ऐसी होती है कि घर में बहुएं आती हैं, बहुएं अपने बेटे की हैं, घर की बहुएं, फिर भी अपना घर का कारोबार सास अपनी बहू को देती नहीं। कितने ही कुटुंब उसके कारण नष्ट हो गए, और इसके कारण कई कुटुंब आज नष्ट हो गए हैं। परिवार में झगड़ा का कारण जो बनता है तो वही एक मूल कारण है। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। कई गुणवान लोग थे, बहुत सारी विद्याएं उसको आती थी, लेकिन उन लोगों ने वह विद्या जिसको को सिखाई पहले। यहाँ बहुत सारे वैद्य थे, ये वैद्य औषधियों के बारे में जानते थे, लेकिन इन वैद्यों ने यह औषधियों की जानकारी दूसरों को बताई नहीं। वैद्य मर गए तो उसके साथ साथ यह औषधियों भी मर गई। वास्तव में देखें तो औषधियों आज भी हैं, पहले थी आज भी हैं, लेकिन यह औषधियों को जानने वाला लोग रहा नहीं। इस कारण इतने हैं कि वैज्ञानिक आविष्कार औषधियों आदि लुप्त हो। कई वैज्ञानिक थे, उसने भी अपना जो प्रयोग था वह आधा बनाया हो, इसके बारे में जानकारी न दी हो, और वह वैज्ञानिक मर जाए तो वह प्रयोग वहीं से मर जाता। तो इसी प्रकार औषधियां विलुप्त हो गई। पैसों में इतनी प्रतिद्वंदता हो गई कि बड़ा छोटे का काम नहीं सिखलाता। देखिए एक शब्द है पैसों, पैसा धंधा रोजगार। आज का रोजगार के अंदर, धंधा के अंदर, पैसा के अंदर ऐसा चलता है कि एक व्यक्ति अपना जो पैसा है वो दूसरों को सिखाता नहीं। मन में ऐसी भावना होती है कि अगर एक पैसा मैंने उनको सिखाया तो कल वह पैसा शुरू कर देगा तो मेरा धंधा ठप हो जाएगा। इसलिए एक पैसा के बाबत में देखे, रोजगार के बारे में देखे तो भी एक व्यक्ति दूसरे को वह सिखलाता नहीं। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित व्याकुल हो जाता है,
कितना काम बिगड़ता है इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। बहुत सारा काम बिगड़ जाता है लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं। अभी चार व्यक्तियों को, ये चार व्यक्तियों के उत्तर सुनने के बाद इसका सार जो निकला वह सार लेखक हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो लेखक बताते हैं कि अपने चारों विदेशी मित्रों को जवाब को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर अपने काम में गर्व नहीं करते, कि समय से काम न करके अपने काम में गर्व लेते नहीं, उस काम करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते, और काम करने के बाद दूसरों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है वह जिम्मेदारी को भी वह अनुभव नहीं करते। हम अपने काम को भली भांति समझकर उसमें तल्लीन होकर परिश्रम के साथ खुद नहीं करते। अगर कोई भी काम हमें दिया जाए तो वह काम हम मन लगाकर नहीं करते, हम इसके अंदर तल्लीन होकर यह काम को सफल बनाने का प्रयत्न करते नहीं। हम अपने गुण उदारता के साथ दूसरों को नहीं सिखाते, हमारे अंदर जो कोई हमें आता है वह हम उदारता पूर्वक वह दूसरों को सिखाते नहीं। मतलब हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं वह गुण हम दूसरों के अंदर हम उसको सिखाते नहीं, इसलिए हम स्वयं अपनी बर्बादी कर रहे और इसके कारण हम सब अपनी बर्बादी स्वयं कर रहे हैं। लेखक इस बात को और सरल ढंग से बताते हुए कहते हैं कि हम नागरिक कर्तव्य को अधिकारों को भूल गए हैं, और लेखक इसको सरल ढंग से बताते हैं कि हमारे नागरिकों का जो कर्तव्य है, हमारी जो फर्ज है, हमारा जो कर्तव्य है वह सारा कर्तव्य हम भूल गए हैं। हम बड़े से बड़े नेता के कहे अनुसार नहीं चलते। कई बड़े नेता होते हैं, कई बड़े संत महात्मा होते हैं, वे हमें सच्चे राह पर चलने की बात बताते हैं लेकिन हम उसके कहे अनुसार चलते नहीं, उनके आदेशों के अनुसार हम अपना जीवन संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वही के वही हैं, हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता, और इन सभी कारणों से हम वही के वही हैं, हमारा देश उन्नति कर सकता नहीं। तो इन चार कारणों से, एक तो हमारे काम में हम गर्व नहीं लेते, हम हमारी जिम्मेदारी नहीं समझते, हमारे देश के लोग आलसी हैं और हमारे देश के अंदर उदारता नहीं है, ये चार मूलभूत कारणों से हमारा देश उन्नति कर रहा नहीं। तो ये चार प्रश्न एक एक वाक्य में भी पूछे जाते हैं, कई बार विकल्प में भी पूछे जाते हैं। अब एकदम समाप्त होता है, हम इसका थोड़ा सा स्वाध्याय लेते हैं। आप घर पर अच्छे अक्षरों से वह स्वाध्याय अपने नोटबुक में लिख दें। देखिए स्वाध्याय पहला एक वाक्य का प्रश्न है, विदेशी महिला ने देश की उन्नति का क्या कारण बताया। दूसरा है, रुद्र ईसाई पात्र ने क्या कहा, तीसरा है, लेखक को इस बात का खब कहें चौथा है,
कुटुंबी अवस्था इस प्रकार नष्ट हो गई। दो वाक्यों के लेकिन हमारे देश में किस प्रकार जागरूकता आ सकती है। दूसरा है मनुष्य समाज की संरक्षण करने के लिए मनुष्य समाज को संरक्षित करने के लिए हमें एक वाक्य में उत्तर है कि विदेशी महिला ने देश की उन्नति का क्या कारण बताया। दूसरा है रुद्र ईसाई पादरी ने क्या कहा। तीसरा है लेखक को किस बात का खबर है। चौथा है कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई। दो वाक्य में उत्तर लिखे तो हमारे देश में किस प्रकार जागरूकता आ सकती है, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये पांच छह वाक्य के लंबे प्रश्न उत्तर है। देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और एक बड़ी वृद्धा श्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। तो ये सारे प्रश्नों के सही उत्तर अपने नोटबुक में अवश्य लिखें। थैंक यू।